कोरोना संक्रमण के खात्मे के लिए शासन के निर्देश पर लगाए गए नाइट कर्फ्यू का असर मंगलवार को भी देखने को मिला। इस दौरान पुलिस के जवान वाहनों की चेकिंग कर लोगों को कोरोना से बचाव के प्रति जागरूक भी करते रहे। महानगर के विभिन्न चौराहों पर कोरोना नाइट कर्फ्यू का मिला जुला असर देखने को मिला। लोग बेफिक्र होकर घूमते नजर आए। गौरतलब है कि शासन के निर्देश पर रात्रि 9 बजे से सुबह 7 बजे तक कोरोना नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है, लेकिन महानगर के बेखौफ नागरिक नाइट कर्फ्यू का लगातार उल्लंघन कर रहे हैं और सड़कों पर तमाम भीड़ भी देखी जा सकती है। फिलहाल पुलिस अपने स्तर से नाइट कर्फ्यू का पालन कराने में जुटी है। SP सिटी सोनम कुमार ने बताया कि नाइट कर्फ्यू का पालन कराने के लिए 28 जगहों पर बैरिकेडिंग कर वाहनों की चेकिंग किया जा रहा है। महानगर के सभी CO, SHO तथा चौकी प्रभारी अपने अपने क्षेत्र में निकलकर कर्फ्यू का पालन करा रहे हैं। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि अपना सभी काम निपटाकर 9 बजे तक अपने घरों में चले जाएं तथा उसके पश्चात अगर कोई नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करता हुआ दिखता है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP सिटी सोनम कुमार ने कहा, क्या नाम है? स्वर्गीय है 11:06।
देखिए रात्रि के 9 बजे के बाद नाइट कर्फ्यू लागू हो जाता है, उसमें सारे SHO, CO, सारे चौकी इंचार्ज सब भ्रमणशील रहते हैं, 28 बैरियर्स पर चेकिंग करते हैं हम लोग, और इसके अतिरिक्त ट्रैफिक डिवाइजन की स्कीम भी लागू की जाती है। देखिए नाइट कर्फ्यू में सबसे हमारा अनुरोध रहता है, हम ये जो भी हमारा पब्लिक एड्रेस सिस्टम है उससे भी हम लोग ये बताते हैं कि लोग अपने कार्यों को समाप्त करके 9 बजे तक घरों में चले जाएं। तो अगर 9 बजे के बाद भी कोई नहीं अपने घर में जाता है तो उस स्थिति में हम लोग उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करते हैं, उनका चालान करते हैं, गाड़ियों के सीजर की कार्रवाई करते हैं।